लीनियर मोशन के बारे में भला किसको नहीं पता। हम जानते हैं लीनियर मोशन में कोई भी चीज सीधी दिशा में मूव करती है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी लीनियर मोशन ही परफॉर्म करती है। लेकिन अगर पैटर्न को गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि बॉल की स्पीड पहले कम और फिर बाद में बढ़ती जा रही है। इससे ये पता चलता है कि ये लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती हुई कोई चीज भी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है। इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यह बास्केटबॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रही है। ये जरूरी तो नहीं कि हर बार लीनियर मोशन ही हो, ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में भी तो मूव कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नए तरह का मोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो बास्केटबॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, यानी ये एक साथ दो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल को टू डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है, या आप इसे दो वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं।